नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राज, स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। इस वीडियो में बात करने वाला हूं चंबल के दुर्दांत डकैत के बारे में, जो शराब और शबाब का शौकीन था और उसकी प्रेमिकाएं हमेशा सड़क के सवर के रहती थी और उसे खुश करने के लिए प्रेमिकाएं हमेशा जीन्स और टी शर्ट पहनती थी। चंबल के बीहड़ में आतंक का पर्याय रहे निर्भय सिंह गुज्जर का आतंक चरम पर था। हत्या लूट अपहरण का कारोबार वो चंबल के बिहार से चलाया करता था। निर्भय सिंह गुज्जर के खिलाफ अपहरण और हत्या के 200 से ज्यादा मामले पुलिस थानों में दर्ज थे। निर्भय सिंह गैंग का फरौती के लिए जाना जाता था, क्योंकि वो पहले अपहरण करता था और फिर लाखों रुपए की फरौती मांगता था। जब उसे पैसे मिल जाते थे तो रिहा कर देता था। वह लंबे समय से पुलिस को चकमा भी दे रहा था। इसके साथ ही उसे पब्लिसिटी का भी बहुत शौक था। चंबल के में पत्रकारों को बुलाता था, इंटरव्यू देता था और कहता था समाजवादी पार्टी से अगर उसे टिकट मिल जाता है तो वह चंबल के क्षेत्र में साइकिल दौड़ा देगा। आपको बता दें कि निर्भय सिंह गुज्जर को समाजवादी पार्टी का करीबी माना जाता था। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं को अपना भाई कहता था। निर्भय सिंह गुज्जर ने यहां तक कह दिया था कि अगर समाजवादी पार्टी विधानसभा का टिकट उसे चंबल के इलाके से देता है तो वह दौड़ा देगा और जो उसकी राह में रोड़ा बनेगा वो गोली खाएगा। जब ये सारी बातें राजधानी पहुंची तो भूचाल आ गया और मौत की वजह भी उसकी यही बनी। जब उसने समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को, मुलायम सिंह और बड़े नेताओं को ये कह दिया कि वो तो मेरे भाई हैं, इसके बाद उसकी मौत भी तय हो गई। साल 2005 में औरैया के अजीत मल के पास चंबल में निर्भय सिंह को मार गिराया। साल 2005 में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और विपक्षी दल अक्सर यही आरोप लगाया करते थे कि निर्भय सिंह गुज्जर को समाजवादी पार्टी का संरक्षण प्राप्त है, तभी तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर रहा है। और इसी बीच निर्भय सिंह गुज्जर ने भी ऐसा स्टेटमेंट मीडिया में आकर दे डाला कि मुलायम सिंह यादव तो मेरे बड़े भाई हैं। फिर क्या था, विपक्षियों ने उस समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाना शुरू कर दिए। फिर मुलायम सिंह ने उसे दो टूक कह दिया कि चंबल से निर्भय सिंह गुज्जर का खात्मा हो जाना चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एसटीएफ चंबल में उतार दी और निर्भय सिंह गुज्जर को मार गिराया गया। माना जाता है कि निर्भय सिंह गुज्जर को शराब और लड़कियों का बहुत शौक था। निर्भय ने सैला और नीलम नाम की दो लड़कियों का पहले अपहरण किया था और इसके बाद उसने अपने साथ ही इन लड़कियों को रखा और ये लड़कियां भी बाद में उसी की गैंग में रम गईं। कई साल रहने के बाद दोनों लड़कियां बीहड़ के जीवन में उसके साथ रहने लगीं। लड़की और शराब का शौकीन उसे माना जाता था। उसके साथ उसकी दो प्रेमिकाएं सैला और नीलम हमेशा रहती थी, जिसे निर्भय को खुश करने के लिए वो हमेशा जीन्स टी शर्ट और सच के सबर के रहा करती थी। निर्भय इन दोनों से प्रेम करता था। नीलम को वह अपनी पहली पत्नी मानता था, लेकिन कुछ दिनों बाद वह उससे आहत हुआ करता था। निर्भय सिंह के दत्तक पुत्र श्याम का नीलम से प्रेम हो गया। दोनों करीब करीब एक ही उम्र के थे, इसलिए साल 2005 में गैंग का उत्तराधिकारी कहा जाने वाला श्याम निर्भय की कथित पत्नी नीलम को लेकर फरार हो गया, जिससे निर्भय सिंह गुज्जर काफी दुखी हुआ और मीडिया में आकर कहता था कि उसने मेरे साथ गलत किया। वो अपनी माँ को लेकर भाग गया। इसके बाद निर्भय सिंह गुज्जर टूट रहा था और शराब में डूब भी रहा था, जिसके बाद जालौन में पुलिस सतर्क हुई और उसके ठिकानों पर मुठभेड़ शुरू कर दी, जिसके बाद निर्भय सिंह गुज्जर साल 2005 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तो दोस्तों, ये था निर्भय सिंह गुज्जर, चंबल का खूंखार डकैत जिसे शराब और शबाब का बहुत शौक था। अभी के लिए इतना ही। बने रही है इंडिया स्पेशल के साथ।